अंदर था एक विशाल भवन जिसमें थी ललन पड़ी हुई। बेटा उस ललना के ही पलने में वो सुंदर मणि थी पड़ी हुई। अंदर था एक विशाल भवन पहले ही देख लिया करो, फिर यहां से खींच के ले जाते हो। हमारी आदत न साफ करेगा भैया। अंदर था एक विशाल भवन जिसमें थी ललना पड़ी हुई, उस ललना के ही पलने में वो सुंदर मणि थी पड़ी हुई। कन्या एकाएक चीख पड़ी, कन्या की माँ भी रोन लगी, अब जाम बंतर के समय में कछु आता पाई होन लगी। 27 दिन तक युद्ध चला, 28वें दिन जब घुटने जमीन पे आ गए तो समझ लिया कि मेरे भगवान ने अवतार ले लिया। क्योंकि जब त्रेता युग चल रहा था और त्रेता युग में रावण मारे गए तो जामवंत से श्री राम जी ने पूछी है कि हे जामवंत जी, रावण तो मर गए, तुम्हारी हाथन की खुजली मिटी या ना मिटी? तो जवाब दो महाराज, रावण तो मारे गए लेकिन भाई हाथन की खुजली ना मिटी। भगवान बोले चिंता ना करो, मैं आपके हाथों की खुजली द्वापर में मिटा दूंगा। 27 दिन तक युद्ध चला, 28वें दिन जब घुटने जमीन पे आ गए तो समझ लिया कि मेरे प्रभु ने अवतार ले लिया। हाथ जोड़े ना तब छोड़ दो, हड्डी को सुरमा बनाए कहीं छोड़ोगे? अजय लो मड़ी ले जाओ, मड़ी वाली ले जाओ। क्या है बंधुओं का आवाज? सुनील भैया समझा दो थोड़ा सा। हुआ ऐसा छे तो समझा दिया, अब ठीक बैठ जाओ। पहले ध्यान नहीं दिए थे, फिर खलीफा बनता हो तो यहाँ तक आ ही जाता है। महाराज
यहाँ भगवान जामवंती को लेके आए, वो मणि सत्राजित को वापस दी है। कुछ दिन बाद सत्राजित ने वह मणि भगवान को लौटाई और अपनी बिटिया सत्यभामा की शादी भगवान कन्हैया के साथ में कर दी। कितने विवाह हो गए परीक्षित? हाय, ठीक हो? बोलो, कितनी शादियां हो गई? तीन। अब ध्यान से सुनना, पहली शादी रुकमणी से, दूसरा विवाह जामवंती से, तीसरा विवाह सत्यभामा से, चौथा विवाह कालिंद्री से, पांचवा विवाह उज्जैन देश के राजा है बिंदन की बिटिया को नाम है मित्रविंदा, छठवां विवाह कौशल देश के राजा है, इन्होंने ये प्रण किया था तो एक ही बार में सात बैलों को नाथेगा, उसी के साथ मेरी बेटी का विवाह होगा। एक साथ सात बैलों के नाथे डाली है भगवान, उसे भी ले आए, कितने हो गए? छह। सातवां विवाह भगवान कृष्ण की बुआ सिद्धकीर्ति उनकी बिटिया को नाम तो भद्रा भगवान बाहु ले आए, कितने हो गए? सात। आठवां विवाह मध्य प्रदेश के राजा थे उनकी बिटिया को नाम तो लक्ष्मणा भगवान बाहु ले आए, कितने हो गए? आठ। क्या है, क्या पंचायत है? महाराज आठ ये और 16,100 कन्याओं को एक भौमासुर नाम के राजा ने बंदी बना के रखा था और ये प्रण किया था कि जब तक 20,000 नहीं हो जाएंगी शादी नहीं करूंगा। भगवान को पता चला तो भगवान ने चार दीवारी को तोड़ा, बेटियों को निकाला, बेटियां बोली मैं आपसे विवाह करूंगी। भगवान कहने लगे अगर आपके पिता कह दें तो। अब यहाँ इतने लोग बैठे हो, अगर आपको भगवान जैसा दामाद मिले तो कौन अपनी बेटी नहीं करेगा? सबने हाँ कर दिया। 16,100 और 8 कितनी है गई? बोलिए, 16,100 और 8 कितनी है गई? 16,108। परीक्षित सबके 10-10 लड़का पैदा हुए, कितनी? 10-10। टोटल 1,61,080। एक एक बिटिया पैदा भाई 16,108। भगवान के बड़े भैया हैं जिनका, जो भगवान के बड़े पुत्र हैं जिनका नाम है प्रद्युम्न, प्रद्युम्न की शादी रुकुम के बेटा रुकुमवती से हुई, रुकुम की बेटी रुकुमवती से हुई, उनके पुत्र हुए अनिरुद्ध, अनिरुद्ध की शादी सोनितपुर के राजा बाणासुर उनकी बिटिया उषा के साथ में हुई। भगवान का इतना बड़ा परिवार था फिर भी कन्हैया योगी राज कृष्ण ही कहलाए। और संतो आपको एक बात बता दें, हम योगी उसे कहते हैं जिसने ब्रह्मचर्य का पालन किया हो, जिसने ब्रह्मचर्य का पालन किया हो, औरत के शरीर को स्पर्श न किया हो, जो ब्रह्मचर्य को पालन करने वाला हो। और एक बात याद रखना, जो अवस्था होती है ना 1 से 5 बाल्यावस्था, 5 से 10 पौगंडावस्था, 11 से 14 किशोर अवस्था, 14 के बाद शुरू होती है युवावस्था यानी कि जवानी, फिर बुढ़ापा, फिर मौत। तो भगवान ने 11,500 वर्षों तक अयोध्या नगरी में राज्य किया था, लेकिन दिखने में ऐसे लगते थे जैसे अभी 14 वर्ष के हों। भगवान की तस्वीर सबने देखी होगी, लेकिन ये देखा भी होगा भगवान की कबूं फोटो में दाढ़ी मूछ ना होते। प्रभु ने हजारों वर्षों तक राज्य किया,
लेकिन दिखने में ऐसे लगते थे जैसे अभी 14 वर्ष के हो। इतना बड़ा प्रभु का परिवार था, फिर भी कृष्ण योगी राज ही कहलाए। श्री सूत जी बोले, सोनका दिग्रषि हो, भगवान की जो रुक्मणी है पहली पत्नी वो बहुत सीधी थी, और जो दूसरी तीसरी पत्नी है यानी कि सत्यभामा वो बहुत जिद्दी थी। रुक्मणी को कभी क्रोध आता ही नहीं था। एक दिन भगवान विचार कर रहे कि क्या करें, इन्हें गुस्सा तो दिलाना है, तो भगवान ने कहा, करो प्रभु बैठे हैं पलंग पे, पीछे से रुक्मणी पंखा झल रही, तो रुक्मणी को चेहरा देख के बोले के रुक्मणी तुम्हें ऐसा मुझ में क्या देखा जो मुझसे विवाह कर लिया? अरे मैं इतना काला सा हूं, इतना कुरूप हूं, और आपने मुझसे विवाह किया है, अगर आप चाहो तो मुझे छोड़ सकती हो। रुक्मणी नाराज नहीं हुई, पीछे चेहरा देखा तो कोई सिखन नहीं है चेहरे पे, फिर जवाब दिया कि हे रुक्मणी अगर आप चाहें तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, आप शिशुपाल के साथ में विवाह कर सकती है। और ये बिटिया रंजना दौलतपुर से भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करें, माला अर्पण कर रही हैं, भगवान माला माल बनाए रखें, किसी भी बात की कमी न हो, ठाकुर जी कृपा दृष्टि बनाए रखें, विलासा और आकांक्षा है। बोलिए गोविंद भगवान की। तो भगवान बोले अगर आप चाहो तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, मैं शिशुपाल के साथ में आपका विवाह करवा दूंगा। रुक्मणी गुस्सा नहीं हुई लेकिन बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़ी। भगवान ने पीछे देखो तो जमीन पे पड़ी है। प्रभु ने चतुर्भुज रूप धारण किया, दो हाथ से रुक्मणी को उठायो, और दो हाथ से उठाई कि एक हाथ से पंखा झल रहे और एक हाथ से रुक्मणी के सर पे हाथ फेर रहे। एक घंटे बाद जब होश आया तो आंखों की किनारी से आंसू गिरे। भगवान बोले क्या बात है देवी? रुक्मणी जवाब देती है, गोविंद आप मेरे मरने की दुआ करना, लेकिन कभी भी खुद का साथ छोड़ने की दुआ मत करना। ऐसी परम भक्ति रुक्मणी बोली गोविंद भगवान की। प्रसंग उठता है, कलश वाली कन्या खड़ी हो जाए। भगवान के बड़े परम सखा हैं, कृष्णस्य आसीत सखा के क्षति ब्राह्मणो वित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियम्। भगवान के परम सखा मित्र सुदामा जो कृष्ण के साथ में गुरु शांतिपन के यहां पर पढ़े, इनकी बड़ी गहरी मित्रता थी। एक दिन वही गुरु जी के आश्रम पर गुरु पत्नी बोली मोहन सो मेरे लाला तन किधर आओ, घर में ही धनु को नाम नाए कछु लाला सारा बन जाओ। मोहन बोले चिंता क्या है,